31 जनवरी देर रात घंटाघर से टाट मिल चौराहे तक एक इलेक्ट्रिक बस मौत बनकर दौड़ी और आधा दर्जन वाहनों को टक्कर मारी। 15 लोगों को ड्रोन डाला। आखिर में बीच चौराहे पर बने ट्रैफिक बूथ से टकराते हुए डंपर में घुस गई। लोग घायल हैं, घायलों में कईयों की हालत गंभीर है। देर रात मृतकों की 4 की पहचान हो गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया रात करीब 11:30 बजे एक इलेक्ट्रिक पास तेज रफ्तार में घंटाघर चौराहे से 7 मील की तरफ जा रही थी। पूर्व से पश्चिम दिशा में चालक ने दौड़ना शुरू किया, जो बीच में आया उसको रौंदते हुए निकल गया। डाट मिल चौराहे पर बने ट्रैफिक बूथ में टक्कर मारी, फिर चकेरी की तरफ से आ रही डंपर से जाकर टकराई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 4 की शिनाख्त हो सकी। अन्य मृतकों की पहचान के लिए पुलिस जांच में जुटी। रात में शहर के अधिकारियों कई नेताओं का जमावड़ा हैलेट अस्पताल में लगने लगा। घायलों और मृतकों को ढांढस बंधाते रहे। रामनाथ कोविंद ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा, कानपुर में हुई बस दुर्घटना में कई लोग हताहत होने की खबर से अत्यंत दुख हुआ। इस घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवार के प्रति मेरी गहन शोक संवेदनाएं, लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। लाटूश रोड निवासी शिवम और शुभम सोनकर के अपने दोस्त पिंकल सुनील सोनकर की रमेश यादव की बस की चपेट में अजीत कुमार की मौत हो गई। रिपोर्ट अनवर अशरफ, पत्रकार कानपुर।